या एक बार जब गाड़ी जाती है ना तो पलट तो सभी हैं। 2023 जो है अपने पूरी पूरी कन्वर्ट करा दी, जो भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई उसका है फोर्ड एवरेस्ट। फिर इसमें 26 इंची टायर डले हैं, ये देखो हैं। आप देख सकते हैं 26 इंची भाई ने अलॉय व्हील्स वगैरह डलवा रखे हैं। अगर इसकी आपको एक बार प्रोफाइल बताऊं तो ये अपने 305/30R26 4 लाख का नंबर लिया था ये। अच्छा 4 लाख का अपना नंबर लिया हुआ है ये अलग से। अच्छा मैट ब्लैक रैप है और ये कुछ इस तरह से जलती है भाई अपनी। तो ये अपना काम जो है भाई ऑटो डैडी कस्टम पे कराया भाई ने, जैसे कि बताया। तो भाई ओवरऑल अब तक इसमें कितने पैसे लगा दे टोटल? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अर्स एनसीआर। कैसे आप सब, होप करता हूं कि सब ठीक हैं। तो भाई जैसे कि गाड़ी देख रहे हो, आज आपको दिखाने वाले हैं भाई अपनी एंडेवर, वो भी पूरी की पूरी कन्वर्ट है एवरेस्ट के अंदर, जो कि भाई अभी अपनी इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुई, लेकिन आजकल लोग इसे किट विट लगवा के चलवा रहे हैं और इतने बड़े बड़े अलॉय व्हील्स वगैरह भी लगवा रखे हैं भाई ने। तो पूरी पूरी डिटेल होने वाली है वीडियो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें बगैर मत जाना। चलो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट और मिलवाते हैं गाड़ी के ओनर से। आज की वीडियो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्ण भाई। कृष्ण भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया। तो कृष्ण भाई का इंस्टाग्राम मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भाई। वैसे अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम बता दो आप। भैया मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्ण डबास 1111। जो भाई गाड़ी का नंबर है वही अपना यूजर नेम के पीछे है, कृष्ण डबास 1111। तो भाई को जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। भाई की लुक के साथ गाड़ी जो है ना एकदम मैचिंग, परफेक्ट मैच कर रही है। मतलब भाई ऐसी, मतलब भाई के बड़े बड़े बाल, दाढ़ी वगैरह, और गाड़ी भी जो है ना इतनी धासु ले रखी है। तो भाई सबसे पहले तो गाड़ी का मॉडल वगैरह बात करें, कौन सा मॉडल है अपना? 2021 मॉडल है मेरी। अच्छा, और वेरियंट की बात करें? वेरिएंट अभी 2023 जो भारत देश में आया ना वो लगाया पूरा किट। अच्छा मतलब 2023 जो है अपने पूरी पूरी कन्वर्ट करा दी, जो भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई उसका है फोर्ड एवरेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो एवरेस्ट यहाँ पे बैजिंग भी है। तो भाई ने ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल कन्वर्ट कराई है। तो भाई सबसे पहले तो भाई कन्वर्ट कहाँ से कराइए? भैया ऑटो डैडी कस्टमर। अच्छा ऑटो डैडी पे से कराइए। ये देख लो यहाँ पे भाई ने जो है ना अपना बैजिंग वगैरह भी छोड़ दिया, ऑटो डैडी पे से कराई है। उनकी रील वगैरह में हमने देखी हुई थी, जब हमने भाई से कॉन्टैक्ट करा तो भाई ने नो प्रॉब्लम, भाई ने बोल दिया आ जाओ वीडियो वगैरह के लिए, कोई मना नहीं है। बाकी गाड़ी का जो लुक है भाई, रोड पे यार जब जाती है गाड़ी ऐसा तो हो ही नहीं सका, कोई पलटे ना यार गाड़ी को देख के। भैया एक बार जब गाड़ी जाती है ना तो पलटते सभी हैं, कि कुछ अलग चीज दिखती है ना तो सबका वो आता है। मतलब भाई हाँ कुछ जा रहा है रोड पे, रिएक्शन हाँ। जो है ना वो मतलब बहुत ही अल्टीमेट निकल के आता है। तो भाई अगर जब सबका रिएक्शन अच्छा आता है ना तभी ऐसा लगता है कि गाड़ी के पैसे पूरे हुए हैं। मतलब अब मन को संतुष्टि है, इतने पैसे लगा के गाड़ी में, अब मजा आ रहा है। तो भाई अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो मोटा मोटा क्या काम करा रखा है फ्रंट में? ये भैया एवरेस्ट की पूरी पूरी किट लगवाई है। अच्छा जाले लगवाई है, आगे का पूरा बम्पर वगैरह चेंज हुआ है गाड़ी पे। अच्छा ये अपना रैप वगैरह भी करवा रखा है। तो भाई अपना कौन सा रैप है? पूरा पूरा। अच्छा मैट ब्लैक रैप है। तो भाई जब ये सामने पूरा पूरा किट लगी है तो गाड़ी कटी हुई होगी? भैया ये मैंने गाड़ी कम से कम 12-13 दिन छोड़ी थी वहाँ पे मैंने। अच्छा 12-13 दिन के अंदर काम हुआ इसमें पूरा? अच्छा 12-13 दिन पूरी के गाड़ी खुली थी भैया आगे से, ये सारा जब ये जाली वाली लगी थी पूरी, ये पूरी कट के। और ये लाइटिंग भी जो है ना अपनी, वो ये अपनी जो फोर्ड एवरेस्ट में आती है डिट्टो सेम। देखो साइड से जो निकले हुए ना, ये भी जो साइड से निकले हुए हैं गाड़ी, मतलब ऊंची भी होगी, चौड़ी भी होगी गाड़ी काफी। अच्छा तो भाई उठवाई भी है, उठ के लगवाए उन्होंने या सस्पेंशन ही चेंज किया? सस्पेंशन चेंज हुआ पूरा। अच्छा पूरे के पूरे आगे और पीछे के दोनों के सस्पेंशन चेंज हुए? फिर इसमें 26 इंची टायर डले हैं, ये देखो आप देख सकते हैं 26 इंची भाई ने अलॉय व्हील्स वगैरह डलवा रखे हैं। अगर इसकी आपको एक बार प्रोफाइल बताऊं तो ये अपने 305/30R26। तो भाई ये कहाँ से डलवाए थे? ये भैया करोल बाग मर्करी टायर्स। अच्छा करोल बाग मर्करी। तो भाई करोल बाग में भैया हम हर जगह घूमे पर 26 इंची टायर और अलॉय कहीं नहीं मिले हमने। फिर मर्करी टायर देखा हमने, नेट पे सर्च किया था, वहीं पे सबसे बेस्ट लगा और सबसे बेस्ट वहीं मिला हमें। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ी इनकी? इनके भैया 2.5 लाख के आसपास पड़ेगी। अच्छा 2.5 लाख के आसपास। और भाई जो इसके साथ के थे वो भैया मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा वो आप ले आए वापस? ऑफ रोडिंग के लिए रखे हुए भैया मैंने। अच्छा हाँ ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग में तो कोई ये काम आएंगे नहीं, ठीक है, ताकि हमें कहीं बाहर जाना है ऑफ रोडिंग के लिए जाना है तो अपने ये चेंज किए और अपना वो लगा के ले जाएंगे फिर। हाँ ये भी है हाँ। तो भाई ये अपना रैप वगैरह कितने का हुआ भैया? ये कम से कम पूरा इसका सारा अंश दिया काम करवाया मैंने। अच्छा ऑटो डैडी कस्टमर भी ये कम से कम 5.5-6 लाख रुपए हुआ सारा। 5.5-6 लाख रुपए में पूरी पूरी गाड़ी कन्वर्ट हुई है, किट भी लगवाई है, लाइटिंग भी हुई है, सारा सब कुछ साइड शीशे भी लगे हैं और पीछे लाइटिंग भी हुई है, तो सारा पूरा मिला के हुआ है। अच्छा अभी आपको जला के दिखाता हूँ। अच्छा फ्रंट वाली लाइट जो है, जैसे कि भाई बता रहे हैं फ्रंट वाली लाइट एक बार आपको दिखाते हैं। ये देखो ये तो अपनी जो हेलोजन भी आती हुआ है और ये कुछ इस तरह से जलती है भाई अपनी DRLs वगैरह। तो भाई इनका थ्रो वगैरह कैसा रहता है? बहुत बेस्ट है भैया, आप पीछे से देखो एक बार ले। ये देखो मतलब भाई जैसे लंबे टूर पे लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब दूर तक थ्रो रहता है। बिल्कुल बहुत बेस्ट है। और ये देखो रियर प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रही है भाई। ये स्पॉइलर जो है अपना एड ऑन कराया है। हाँ जी भैया ये भी एड ऑन करवाया है, पीछे की लाइटिंग चेंज हुई है। अच्छा ये सारी और नीचे की लाइटिंग भी सारी, ये देखो सब कुछ। ये भाई ने रैप वगैरह के साथ ना लाइटिंग वाइटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो ये अपना काम जो है भाई ऑटो डैडी कस्टम पे कराया है भाई ने, जैसे कि बताया 5-6 लाख रुपए में पूरी पूरी गाड़ी तैयार हुई है भाई।
अलॉय से अलग तैयार हुई है ना पांच सेल, अलग भैया अलग, तो टोटल तो 8.5 लाख रुपए हो गए ऐसे तो। हाँ भैया, तो 8.5-9 लाख रुपए लग गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और गाड़ी भी जो है अपनी 50 लाख की गाड़ी हो गई भैया। हाँ गाड़ी मेरे को 40 लाख के आसपास की पड़ी थी भैया। अच्छा 40 लाख के आसपास। हाँ, और मैंने 4 लाख का नंबर लिया था ये। अच्छा 4 लाख का अपना नंबर लिया हुआ है ये अलग से। हाँ जी, देख रहे हो मतलब भाई शौक कितने बड़े हैं यहाँ पे भी दिल्ली में, मतलब इतने बंदे इतने ज्यादा शौकीन है नंबर से। गाड़ी 40 लाख की 4 लाख का ले लिया नंबर, तो भाई इस पे भीड़ लगी होगी 4 लाख के नंबर पे। अच्छा, इसकी 2.5 लाख की पर्ची कटती है भैया। अच्छा, हाँ सॉरी 2 लाख की पर्ची कटती है। अच्छा, 2 लाख पर्ची लगती है फिर बोली इसकी, पहले जितनी बोली छूट जाए 2 पे 2.5 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि गुड़गांव के अंदर बोली लगी थी इसी नंबर की, 4 के नंबर की, और भैया वो छुट्टी थी 40 लाख में जाके नंबर को। ओहो, ये तो बहुत कॉस्टली हो गया भाई, 0001 से महंगा नंबर आ रहा है आजकल तो ये। बाकी अब आपको दिखाते हैं गाड़ी इंटीरियर से, तो एक बार अंदर बैठो कृष्ण भाई गाड़ी के। अपना V6 इसमें आपको इंजन मिलता है, ये देखो भाई ने गाड़ी भी वेल मेंटेन कर रखी है। तो भाई इंटीरियर में क्या क्या काम करा रखा है? इंटीरियर में सारा ही काम करवा रखा है मैंने, पूरा गाड़ी में पूरा। अच्छा, ये अपने सीट वगैरह सब एड ऑन कराए हैं। हाँ जी। और भाई अपने जो रूफ ब्लैक ही आती है करवाई है? नहीं भैया, ऐसी आई। अच्छा, ये ऐसी ब्लैक ही आती है इसमें? ब्लैक ही आती है इसमें। और भाई जो जैसे कि ऑटो रेडी कस्टम पे एक्सटीरियर में गाड़ी में काम कराया, तो इंटीरियर में क्या क्या काम कराया? अंदर से कुछ नहीं करवाया भैया, बाहर से सब पूरा चेंज करवाया मैंने। अच्छा, बाहर से कराया, अंदर से कुछ नहीं कराया। हाँ जी। बाकी गाड़ी जो है एंडेवर, तो भाई वैसे भी जो है ना एक शौकीन गाड़ी, इसमें अगर मॉडिफिकेशन ना भी कराऊं जब भी बहुत ही तगड़ी है। बिल्कुल भैया, ये बेस्ट गाड़ी है। मैं जब जिस टाइम गाड़ी लेके आया 2021 में फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई थी न्यू वाली, तो मैंने वो गाड़ी भी देखी थी, और फिर मैं और तो रेंज रोवर भी देख के आया था। मैंने सारी गाड़ी देख के मैंने ये जाके, मेरे फ्रेंड भी गए थे 4-5, तो हमने सबने यही सिलेक्ट किया और फाइनल डिसीजन हमारा यही हुआ एंडेवर का डिसीजन हुआ। और जब एंडेवर हमने ली और हमने इसका चलाने का मजा आया, और जब इसको देखा हमने कि पूरा टोटल मिला के हमें लगा कि हमारी पैसा वसूल गाड़ी है इसका। आप देखो पूरा मून रूफ है, ये देखो पीछे तक मून रूफ है इसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट। ये देखो एक बार भाई ओपन करके दिखा रहे हैं इसको। इसमें 2 बच्चे हों 3 बच्चे हों आराम से निकल जाएंगे, आराम से एंजॉय लेते हैं। और हम भी जब पहाड़ों में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, हम भी एंजॉय खूब एंजॉय करते हैं। तो भाई इतने बड़े बड़े अलॉयज डलवा दिए, गाड़ी का एवरेज वगैरह क्या निकल के आ रहा है? भैया एवरेज का कोई खास फर्क नहीं है। और दूसरी बात, जब भैया देखो शौक बड़े हैं तो थोड़ा सा एवरेज का भी देखना पड़ता है, कोई ऐसी अब हाथी वाला है तो भाई चारे का क्या ही देखना। तो भाई जब से लिए अब तक कितनी चला दी है? ये चल गई मेरी भैया 35,000 के आसपास चली गई। अच्छा 35,000 के आसपास चलेगी, तो लॉन्ग रूट पे भी गए होगे भाई? लॉन्ग रूट पे रहती ज्यादातर भैया, लोकल में चलती मेरी। अच्छा लोकल में कम चलती है, लॉन्ग रूट पे ज्यादा रहती है। तो भाई लॉन्ग रूट पे क्या क्या एवरेज निकालती है वैसे? लॉन्ग रूट पे निकालती भैया 14-15 की एवरेज, 14-15 की एवरेज निकालती है लॉन्ग रूट पे। हाँ जी, मतलब काफी ज्यादा अच्छा खासा एवरेज है लॉन्ग रूट पे। काफी अच्छी है गाड़ी, मस्त है और कंफर्टेबल इतनी है, लंबे रूट पे तो मतलब इंसान थकता नहीं है। और बाकी मेरे पास तो अभी इस गाड़ी को लेने वाले भी आ गए हैं, 50 लाख तक कीमत लगा दी है। अरे 50 लाख तक गाड़ी की कीमत लगा दी है, जबकि मैंने गाड़ी ली थी 40 लाख के आसपास ही। हाँ, हालांकि इस पे ऊपर लगाया 8-10 लाख रुपए मैंने, पर बाकी मेरे अब भी 2.25 साल के बाद मेरी 50 लाख की गाड़ी बिक रही है, पर मैंने गाड़ी को देने साफ मना कर दिया। इसको दे के फिर मैं लूंगा क्या, इससे बेस्ट कुछ ये तो भाई अपने जिगर का टुकड़ा ही, इसे अगर दे दिया तो मतलब भाई और क्या लेंगे। हाँ जी, इसकी हाइट देखो, इसके लेंथ देखो, गाड़ी मतलब इसके कंपेयर में कोई दूसरी गाड़ी नहीं, दूसरी गाड़ी नहीं भैया, ये बीस्ट है अपने सेगमेंट की भाई। बिल्कुल, कोई फॉर्च्यूनर नहीं, कोई स्कॉर्पियो नहीं। फॉर्च्यूनर आप अंदर से देखना, अंदर से ना इंटीरियर है ना, उसमें सनरूफ है ना मूनरूफ है, और मतलब जो गाड़ी में जान इसमें बनती है ना वो उसमें नहीं। और ब्रेकिंग भी भाई लोग बताते हैं कि ब्रेकिंग बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। आप अंदर से देखो, आप पूरा का पूरा देखो, आपको फॉर्च्यूनर का देखना आप ले, मतलब भाई लगता ही नहीं उसको 50 लाख रुपए का डैशबोर्ड। हाँ जी भैया, बिल्कुल सेम है, सिंपल इनोवा वाला लगता है। अब तो फॉर्च्यूनर का और भी महंगी होगी, 58 लाख के आसपास, 58 लाख का जीआर स्पोर्ट। हाँ हाँ, तो बाकी पर वो 58 लाख लगाने के बाद भी ना वो जो इसमें एंडेवर में जाएगा ना वो फील नहीं आएगी, वो फील नहीं आएगी। सही कह रहे हो तो भाई। तो भाई अपना सिस्टम वगैरह में कुछ अपग्रेड करा रखा है? हाँ जी भैया। तो सिस्टम वगैरह में क्या क्या लगवा रखा है भाई? इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सिस्टम ही लगवा रखा है और ज्यादा कुछ के अंदर कुछ भी। बाकी अब आपको सुनाते हैं इसका आउटपुट, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कैसा निकल के आ रहा है। एक बार भाई सॉन्ग प्ले कर दो। तो भाई जो कंपनी का म्यूजिक सिस्टम वगैरह आता है उसका भी अच्छा खासा आउटपुट है। हाँ, उसका भी अच्छा है, मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन कराने की जरूरत नहीं, जैसे कि भाई ने बताया पहले ही अपना स्पेस जो है वो घेर लेती है ज्यादा अगर सिस्टम में अपग्रेड कराते हैं। और एंडेवर का और
मतलब सिस्टम जो है ना बहुत ही अल्टीमेट साउंड निकल गया है गाड़ी, मतलब A1 गाड़ी में कोई कमी नहीं है, ना कोई ब्रेकिंग में है, ना बाहर जाने में कोई दिक्कत है, बाहर जाके इतनी कंफर्टेबल गाड़ी रहती है, इससे मस्त तो कोई गाड़ी रहती नहीं है। हमने लगातार 15-15 घंटे भी ड्राइविंग कर रखी है, बिल्कुल थकान नहीं होती है। अब गाड़ी देखते हैं, सीट देखो अभी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही एडजस्टेबल है। मेरा तो हालांकि वेट भी ज्यादा है और पर प्रीवियस के बाद भी मतलब कोई थकान नहीं होती गाड़ी में बिल्कुल भी। और भाई तगड़े बंदे के लिए तगड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये तो है ही। ये तो है भैया। तो भाई ओवरऑल अब तक इसमें कितने पैसे लगा दे टोटल? टोटल भैया देखो अगर नंबर को लगा के करें तो हम गाड़ी में लग गए कम से कम 12-13 लाख रुपए। 12-13 लाख ऊपर से लगा दिए, 13 लाख रुपए कम से कम लग गए। तो भाई गाड़ी का रेस्पॉन्स कैसा है? जैसे कि अपनी किट वगैरह आप चेंज कराई तो कोई लीकेज वीकेज तो नहीं है? पानी वानी कुछ भी लीकेज नहीं भैया, ना कुछ पता लगता है ना कुछ भी है, कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि थोड़ी केयर करनी पड़ती है, वो भी जो 26 इंची अलॉय व्हील्स पे थोड़ा उसकी केयर करनी पड़ती है बस। उसमें भी केयर क्या करनी होती है, हमें गड्ढों से बचानी पड़ती है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रहती है। बाकी ये थी अपनी छोटी सी वीडियो, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। भाई का इंस्टाग्राम मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो भाई को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, टाटा बाय बाय।